सो हे गाइस, मैं हूं विकी और आप देख रहे हैं विक प्रो गेमिंग। तो माइनक्राफ्ट की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर अगर आप लोगों को भी माइनक्राफ्ट के अंदर जब आप सर्वर ज्वाइन करते हो और वहां पे अनेबल टू कनेक्ट वाला मैसेज आता है, तो उस एरर का जो सोल्यूशन आज भी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं तो ये जो वीडियो है इसके अंदर लास्ट तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑल के ऊपर सेट कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह की माइनक्राफ्ट से रिलेटेड और दूसरे गेमिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो आप लोग जो है चैनल के ऊपर नोटिफिकेशन ऑल रखोगे तो आप लोगों को जो नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए मैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग कैसे जो ये प्रॉब्लम है अनेबल टू कनेक्ट वाली इसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये देखिए हाइव जो सर्वर है इसके अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं करंट पिंग 202 यहाँ पे आ रहा है, और ये कभी कभी तो और भी ज़्यादा चला जाता है, जैसे 210 ये बढ़ता जाता है, कभी कभी कम भी होता जाता है। तो आप लोगों को जब आप सर्वर ज्वाइन करते हो तो आप लोगों को क्या होता है, यहाँ पे अनेबल टू कनेक्ट वाला जो मैसेज है वो यहाँ पे शो हो जाता है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर अभी दिखाई दे रहा है। तो ये जो मैसेज है इसको सोल्व करने के आप लोगों के पास में दो तरीके हैं। अब बड़े बड़े यूट्यूबर आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग जो है लॉग आउट कर लीजिए, फिर लॉग इन कर लीजिए दोबारा से। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गाइज वो मेथड कोई भी इफेक्टिव मेथड नहीं है इसके लिए, क्योंकि मैं पिछले एक महीने से ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको फेस कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी यूट्यूब जो है वीडियो देखी है इससे रिलेटेड, लेकिन उसके अंदर जो मेथड वो बता रहे थे लॉग आउट करके लॉग इन करने वाला दोबारा से, वो मेथड से एक बार भी मेरा जो सर्वर है वो काम नहीं किया। मेरे पास में लगातार वो सेम मैसेज आ रहे थे। उसके बाद में मैंने खुद से ही कुछ ट्राई किया इसके अंदर और मेरा जो सर्वर आज काम कर रहा है। इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को मैंने दिखाया भी है कि कैसे आप लोग जो सर्वर है ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी और ऊपर आई बटन के ऊपर भी मैंने उसकी लिंक दे दी है, तो आप लोग सिंपली वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। उसके अंदर मैंने जो बेडवॉर वाला सर्वर है वो बताया कि आप लोग कैसे जो बेडवॉर सर्वर है उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहला जो मेथड है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो है कि आप लोगों का अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट काफ़ी पुराना हो चुका है तो आप लोगों को क्या करना है कि जो आपको एक नया माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करना है, आप लोग कैसे करोगे, आप लोगों की जो प्रोफाइल है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, वहां से लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद में आप लोगों के पास में एक लॉगिन वाला पेज आएगा, वहां पे आप लोगों को क्या करना है एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट का, और उसके जरिए फिर आप लोगों को इस माइनक्राफ्ट के अंदर लॉग इन करना है। अगर आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये जो ट्रिक है ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि मैंने यूज़ करके नहीं देखी थी, क्योंकि मेरा जो है मैंने सेकेंड जो मेथड है उसका यूज़ किया था, तब जाके मेरा जो सर्वर है वो काम करने लगा था। बाकी मैंने जो नया माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है वो नहीं बनाया था, लेकिन आप लोग करके देख सकते हो। आप लोगों को मुझे लगता है कि 80% चांसेस है कि आप लोगों का जो माइनक्राफ्ट जो सर्वर्स हैं वो सही से काम करने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों का फिर भी माइनक्राफ्ट सर्वर जो काम नहीं करते हैं तो उसके बाद में सेकंड वाला मेथड आप लोगों को मैं चलिए बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे प्ले के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से सर्वर्स के ऊपर क्लिक करना है। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि देखिए, जैसे मैंने वहाँ पे थोड़ी देर पहले आप लोगों को द हाइव सर्वर दिखाया था, तो यहाँ पे आप लोगों को आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो करंट पिंग यहाँ पे देखिए जो रेड के अंदर आ रहा है ना, यहाँ पे 191 जो दिखा रहे हैं, आप लोगों को इसे सोल्व करना है कैसे भी करके। और ये जो सोल्व होगा ये आप लोगों के जो इंटरनेट कनेक्शन है उसके बेसिस के ऊपर ही होगा। और आप लोगों को मैं ये भी बता देता हूँ कि जो अनेबल टू कनेक्ट वाला जो मैसेज आप लोगों के सामने आता है वो आप लोगों का जो मोबाइल का जो इंटरनेट कनेक्शन है उसके लिए ही आता है, क्योंकि अगर आप लोगों का जो इंटरनेट कनेक्शन अगर स्लो होगा तो आप लोगों के सामने जो अनेबल टू कनेक्ट वाला जो मैसेज है वो आएगा। तो इस चीज़ का सोल्यूशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप लोगों जो सर्वर के ऊपर खेलना चाहो और आप लोगों के सामने मैसेज आए अनेबल टू कनेक्ट वाला, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों का जो फोन है वो ड्यूअल सिम का है तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से स्विच सिम कर लेना है। मतलब अगर आप लोग सिम 1 के ऊपर यूज कर रहे हो तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार स्विच 2 कर लेना है, जैसे इस तरीके से। ये करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, दोबारा से आप लोग जिस सिम के ऊपर चलाते हो उस सिम के ऊपर आ जाना है, मतलब सिम 1 के ऊपर। अगर आप लोग वाईफाई से खेलते हो तो यार वाईफाई के अंदर तो आप लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम कम से कम ही देखने को मिलने वाली है, क्योंकि वाईफाई की जो इंटरनेट स्पीड है वो काफ़ी अच्छी और स्टेबल होती है। तो इसके लिए बाद में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग आओगे तो आप लोग देखिए जो करंट पिंग है अभी बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, तो अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन इस तरीके से नहीं चल रहा कि मैं ये जो हैंडल कर पाए ये जो सर्वर है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो करंट पिंग है वो 162 आ चुका है, ये देखिए 156 हो गया, मतलब अब ये कम होता जाएगा। जैसे ही येलो के ऊपर आ जाए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन सर्वर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोगों के सामने मैसेज भी आएगा कि आप लोगों का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो हैंडल नहीं कर सकता इस सर्वर को, तो आप लोगों का जो गेम है वो सही से नहीं चलेगा। लेकिन आप लोगों को अगर करना चाहो तो अगर लोग कर सकते हो, या फिर आप लोग सिंपली यहाँ से जो ज्वाइन है इसके ऊपर क्लिक कर देना। ज्वाइन के ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों का जो सर्वर है वो यहाँ से कनेक्टिंग चालू हो जाएगी।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस, जो जनरेटिंग वर्ल्ड है वो यहाँ पे आ चुका है और जो सर्वर है इसने लोकेट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो लोडिंग रिसोर्सेज है वो चल रही है लोडिंग यहाँ पे, और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं हम, जहाँ पे माइनक्राफ्ट आता था वहाँ पे अब हाइव आ चुका है, मतलब मैं जो हाइव सर्वर है उसके अंदर एंटर हो रहा हूँ। अब थोड़ी देर में जैसे ये जो सर्वर है लोड हो जाएगा तो मैं इस सर्वर के अंदर एंटर हो जाऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, जो हाइव सर्वर था मैं उसके अंदर एंटर हो चुका हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द हाइव मिनी गेम्स लिखा भी आ गया है आपके लोगों के सामने, और यहाँ पे आप लोगों को जितने भी हाइव के अंदर मिनी गेम्स मिल रहे हैं वो सारे आप लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए ट्रेजर वॉर हो गया, न्यू ब्लॉक्स हो गया, हाइड एंड सीक हो गया, डेथ रन हो गया, आप लोग यहाँ पे काफ़ी सारे जो मिनी गेम्स है वो खेल सकते हो। और आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो ट्रिक मैंने बताई है सेकेंड वाली, ज़रूरी नहीं है आप लोग एक बार जो सिम करोगे तो आप लोगों का पहली बार में काम हो जाएगा। आप लोगों को अगर पहली बार में नहीं होता है तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है 2 से 3 बार ये जो ट्रिक है इसको आजमा के देखिए, और फिर भी अगर आप लोगों का जो ये मेथड काम नहीं करता है तो आप लोगों को क्या करना है, जो सिम है उसको फर्स्ट स्लॉट से निकाल के सेकंड स्लॉट में डाल देना है और फिर दोबारा से इसको रिट्राई करना है। बाकी तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा, इतना फंडा यूज करने की जगह आप लोग एक अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन ले लीजिए, या फिर आप लोग ऐसा नेटवर्क यूज करिए जिसका इंटरनेट आपके एरिया में काफी अच्छा आता हो, तो आप लोगों का जो ये कभी भी जो अनेबल टू कनेक्ट वाला जो प्रॉब्लम है नहीं आएगी। अगर आप लोगों की फिर भी आती है तो आप लोग जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप लोगों को फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं और कोई तरीका इसके लिए निकाल के लाऊंगा फिर। तो चलिए आज की वीडियो इतनी है, मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की मजेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।